हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं वीवो Y200 डिवाइस के अंदर आप लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फ़ोन में लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पर आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन होता है कि आप अपने डिस्प्ले के चारों तरफ एक लैंड लाइट यूज कर सकते हैं। जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा या आपके पास कोई मैसेज आएगा तो आपके फ़ोन में जलने लग जाएगा और जो आपका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उस सेटिंग को कैसे इनेबल करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, चलिए अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे सो रहा है। अपने डिवाइस से हम आपको बताएं कि आप अपने फोन में लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है डायनेमिक इफेक्ट, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, तो आपको उस पर क्लिक करना है येलो ऑप्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, उसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, आपको उसको इनेबल करना है। ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे नीचे आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको थोड़ी सी स्क्रॉल कर लेना है, नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है नोटिफिकेशन, और उसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, आपको उसको इनेबल करना है। ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे नीचे आप देख रहे हैं दो ऑप्शन यहाँ पे और शो होते हैं, तो आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइट इफेक्ट है यहाँ पे सेटिंग करने को आ जाता है। तो आपको पहले यहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट सेटिंग करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कलर मैनेज करना है। तो पहले हम यहाँ पे इफेक्ट चॉइस कर लेते हैं, जो भी इफेक्ट अच्छा लगे अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपको जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कलर मैनेज करना है, तो हम यहाँ पे कलर को सेटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कलर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगे अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन है, अगर कलर पसंद नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कलर हैं, जिस कलर का लाइट आपको अपने फ़ोन में जलाना है अपने उंगल को इस तरह से घुमाना है और इसके बाद आपके जो कलर यहाँ पे बनते रहेंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, आपको ओके कर लेना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई का ऑप्शन है, आपको इसको अप्लाई कर देना है। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे ये आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। आपको यहाँ से बैक होना है और यहाँ से जैसे आप बैक होते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन ऐप्स, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल ऐप्स, सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल ऐप्स, और उसके आगे पे एक छोटा सा बटन है, आपको इसको इनेबल करना है। अगर आपको अपने सभी एप्लीकेशन में यूज करना है तो आपको ये बटन को इनेबल करना है। अगर आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं दो चार एप्लीकेशन में, तो आपको इसको ऑफ कर देना है। और नीचे जिस जो भी आपका फेवरेट एप्लीकेशन होगा आप उसको चॉइस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे फेसबुक है, यहाँ पे फाइल मैनेजर और भी सारे एप्लीकेशन हैं, तीन चार एप्लीकेशन हमें यहाँ पे इनेबल कर दिए। अब इन तीन चार एप्लीकेशन के मैसेज पे जो हमारा लाइट इफेक्ट है वो जलेगा, बाकी के एप्लीकेशन के कोई भी मैसेज आएगा वहाँ पे नहीं जलेगा। तो इस तरह से आप इसको मैनेज करके अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन में लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।